हरे कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल फील इंस्पायर्ड। और आप सभी को चैत्र नवरात्रि और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हमने माता रानी की स्थापना कर दी है, पूरी पूजा हो गई है। अब जैसे कि आज फर्स्ट नवरात्रा है, तो फर्स्ट नवरात्रि पर मैं राधा कृष्ण जी का भी श्रृंगार करूँगी, क्योंकि इस बार जो हमने राधा कृष्ण जी की ड्रेस जो मैंने तैयार की है, वो मैंने उनके लिए साड़ी बनाई है। साड़ी बनाने के लिए मतलब वो प्रॉपर तैयार नहीं हुई है, क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था और मेरी मशीन लाइट से चलती है, और दूसरा मेरे हाथ में प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैं सिर्फ उनके लिए ये साड़ी ही बना पाई हूँ। इसका ब्लाउज वगैरह मैं कुछ भी रेडी नहीं कर पाई हूँ, और ये नवरात्रि के अकॉर्डिंग साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने महाशिवरात्रि पर जो राधा रानी को जो ड्रेस पहनाए थे, मैंने सेम उसी का ही ब्लाउज लिया है, ये रेड कलर का। ये इसके ऊपर अच्छा जा रहा था। तो कई बार चीज़ों का हम इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके भी यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो श्रृंगार करें वो बिल्कुल नया ही हो। थोड़ा सा हम जो हमारे पास बाकी ड्रेसेस हैं वो उनको भी यूज कर सकते हैं। और ये दुपट्टा भी सेम उसी ड्रेस का है। मुझे इस ड्रेस के लिए हैवी दुपट्टा तैयार करना था, पर क्योंकि मैं तैयार नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं ये दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ। और ये एक साउथ इंडियन पैटर्न की ज्वेलरी है। इसकी जो ये चेन है, ये बहुत लंबी थी, मेरी राधा रानी के अकॉर्डिंग ये उनको नहीं आ रही थी। तो मैंने इस चेन को भी शॉर्ट करके इसके साथ में कुछ और ज्वेलरी भी बना ली है। ये देखिए, ये इसके इयररिंग थे। इयररिंग से मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट नेकलेस बनाया है। इयररिंग को पीछे से हमने इस तरीके से मोड़ लिया है, और मोड़ने के बाद जो मैंने यहाँ पर अपने नेकलेस में से जो चेन कट की थी, क्योंकि वो चेन आराम से खुल सकती है, देखिए ये चेन मैंने उसमें से कट कर ली थी, और ये मैंने यहाँ पर इसमें इस तरीके से डालकर एक शॉर्ट नेकलेस की तरह इसको मैंने तैयार कर लिया था। ये देखिए, ये एक शॉर्ट नेकलेस तैयार हो गया है। तो ज्वेलरी को भी हम इस तरीके से मॉडिफाई थोड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था। और साथ में जो दूसरा इयररिंग था, ये देखिए, ये आपने कई बार देखा होगा मैंने यूज़ किया है, तो इसको हम कमरबंद बनाएंगे। जो हमारे पास ये दूसरा इयररिंग था, ये इयररिंग भी हमने पीछे की साइड से मोड़ लिया है, और इसको हम इसमें इस तरीके से डालकर एक अलग पैटर्न का जो कमरबंद होता है, कमरबंद बना लेंगे। और ये बनने के बाद में कमरबंद बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, इसको आप माथा पट्टी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, नेकलेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और कमरबंद की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको एज ए कमरबंद यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप ज्वेलरी को भी रीयूज़ कर सकते हैं कई नई तरीकों से। ये देखिए, जो हमने यहाँ पर ये साड़ी में प्लेट्स डाली हैं इस तरीके से, इन प्लेट्स को हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, और बैक साइड से इसको हम इस तरीके से घुमा कर लेकर आएंगे। और अब यहाँ से हम इसको हटाएंगे, और पहले हम इसको पूरा लॉक कर देंगे। ये मैं ऑल पिन की हेल्प से लॉक कर रही हूँ। बस लॉक करते हुए ये देखिए, साड़ी में हमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत अच्छे से इनकी प्लेट्स बैठ जाएंगी। अब यहाँ पर भी हम इनको एक ऑल पिन की हेल्प से लॉक कर देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये इस तरीके से प्लेट्स लॉक कर दी हैं, और ये अब हम यहाँ से इस तरीके से लेकर आएंगे। यहाँ पर मैंने इसको प्रेस किया हुआ है पहले से ही। ये देखिए, प्लेट्स मैंने बनाई हुई है। अभी हम पहले इसको एक बार थोड़ा सा मैं इनको अच्छे से सेट कर देती हूँ। तरीके से प्लेट्स भी मैंने अच्छे से सेट कर दी है, ऊपर से भी यहाँ से सेट कर दी है। अब हम यहाँ पर इसमें एक ऑल पिन लगा देंगे। रानी ने पहन ली है, और इस तरीके का कुछ लुक आया है इनका। जो हमने ये प्लेट्स बनाई हैं, इनको भी हम थोड़ा सा इस तरीके से बिखरी बिखरी सी कर देते हैं, ताकि लुक थोड़ा सा और अच्छा है। ये कपड़ा सिल्क में है, तो मतलब नवरात्रि के लिए मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि हाँ, नवरात्रि के लिए ये जो हम बना रहे हैं ये सही रहेगा। एक ये मेरे पास ये है, इनको मैं पायल भी बना लेती हूँ, कंगन भी बना लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस बार मैं इनको इनका शॉर्ट नेकलेस बनाऊँ। ये देखिए, इस तरीके से, इस तरह की जो ज्वेलरी होती हैं, जो ईजिली पहनाई जाती हैं, उनको आप पायल भी बना सकते हैं, पहनाते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर दो ज्वेलरी पहना दी है, शॉर्ट हार पहना दिया, फिर थोड़ा बड़ा पहना दिया है। अब हम यहाँ पर इनको ये कमरबंद सेट करेंगे, और कमरबंद जो हमें सेट करना है वो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट करना है इसको। मतलब ये कमरबंद हमने इस तरीके से बांध दिया है। ये देखिए, इसका लुक कुछ इस तरीके से है।
इधर से यहाँ से इस तरीके से है और यहाँ से इस तरीके से इसका लुक है, बहुत ही अलग इसका लुक आया है बांधने के बाद में। अब अगर आप चाहें तो इनको लॉन्ग ज्वेलरी पहना सकते हैं, और अगर नहीं चाह रही है बड़ा नेकलेस पहना दिया है, छोटा हटा दिया है क्योंकि दोनों ही एक जैसे हो गए थे, और अगर मैं ये भी उनको पहना तो बहुत ज़्यादा हैवी लुक आ रहा था, तो अभी इनका लुक थोड़ा सही आ रहा है क्योंकि हमें ज़्यादा हैवी ज्वेलरी भी नहीं पहनानी है। तो ये देखिए अभी हमने इनको इतना पहना दिया है, अब हम इनको पहनाएंगे यहाँ पर इनकी हेयर विक। कंगन के लिए मेरे पास सेम पेयर एक और है, जो हमने इनका भी शॉर्ट नेकलेस बनाया है जिससे, इसी का ही सेम पेयर एक और है, तो हम इनसे इनके कंगन पहनाएंगे क्योंकि इनकी साड़ी को मैच कर रहे हैं। के बैंगल हम इनको पहना दिए हैं, तो अगर हम इनके इस बार ओपन हेयर रखें साड़ी में तो शायद तो भी अच्छे लगेंगे। बस इस तरीके से, बाकी और हमें कुछ नहीं करना है। पहले अब हम इनको इयररिंग पहनाएंगे। इयररिंग में यहाँ पर इनको मैं झुमकी पहना रही हूँ क्योंकि ट्रेडिशनल में पूरा हमने इनको रेडी किया है, तो झुमकी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। टीका ये भी मैंने इयररिंग से ही बनाया है, ये देखिए बैक साइड से आपको यहाँ पर ये दिखाई दे जाएगा कि ये इयररिंग था, और मैंने इसको ऊपर की साइड फोल्ड करके ये अलग सी चेन आती है, मैंने इसमें चेन डाल दी है, और यहाँ पर मैंने ये इनका मांग टीका तैयार कर दिया है। ये देखिए इस यहाँ पर सेट कर दूंगी, तो मैंने नहीं बनाया ये जो मांग टीका बना रखा था, इसमें मैंने जो यहाँ पर ये दो चेन थी जो हमने यहाँ पर शॉर्ट नेकलेस बनाया था, ये देखिए ये वाला, इसमें से मैंने ये निकाल ली है, और इसको मैं इस तरीके से ऐसे माथा पट्टी भी यूज करने वाले हूँ। यहाँ पर इस तरीके से सेट करेंगे। सेट करने के लिए आप थोड़ा सा ग्लू ले सकते हैं, जो गोंद हम ज्वेलरी चिपकाने में यूज करते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से इनका माथा पट्टी बना दिया है, तो आप ये देख सकते हैं कि आप एक ही ज्वेलरी को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक नेकलेस ही लिया है, और एक नेकलेस में से यहाँ पर मतलब कर करके पूरी ज्वेलरी ही इनकी सिर्फ एक नेकलेस से तैयार कर दी है, बाकी ये कुछ थोड़ा बहुत हमने अलग से अटैच करके कुछ नया क्रिएट किया है। तो इस तरीके से देखिए आप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार कुछ नया ही खरीदा जाए और कुछ नए से ही सिंगार किया जाए, तो ये ज़रूरी नहीं होता है, जो आपके पास है उसमें से भी आप कुछ अलग और कुछ नया कर सकते हैं। तो अब हम राधा रानी को नोज पिन पहनाएंगे, ये बिंदी लगाएंगे, तो अभी यही बचा है, बाकी तो ऑलमोस्ट ही तैयार हो गई हैं। इनका पूरा श्रृंगार कर दिया है, बिंदी, नोज पिन और हाथों में अंगूठी वगैरह हमने इनको सब पहना दी है, और साथ में मैंने इनके चरणों के दर्शन कर लीजिए पायल पहना दी है, और इनको साथ में अंगूठी भी पहना दी है पैरों में। तो आप लोगों को मेरा इस तरीके से जो मैं सिंगार करती हूँ आप लोगों को कितना पसंद आता है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, साथ में मैं रिप्लाई भी सभी का करती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह से क्या मतलब अच्छा लगता है कि नहीं लगता है कि मैं इस तरह से ज्वेलरी में और कपड़ों में भी उनके इस तरीके से मॉडिफाई करती रहती हूँ। फाइनल इनका लुक है जो हमने यहाँ पर को तैयार किया है, ये राधा रानी पूरी तैयार हो गई हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको राधा रानी का ये श्रृंगार कैसा लगा, कुछ अलग सा है या कुछ अलग जो मैंने करने की कोशिश की है वो आपको पसंद आया है या आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग राधे राधे।